जल्दी निवृत्ति बोलू नवनाथ मोरे महेश कुंडली करण सोलंके पाटिल। चलो भाई योगेश ने भी आंसर बता दिया है। अरे कुंडली वेरी गुड। मैं आंसर सही है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, बाद में देखेंगे उसको। आदित्य सचिन सौरभ सौरभ आंसर है लेकिन बेटा चलो देखो। चलो दीपक ने भी आंसर दे दिया। आप देखो इसमें दो लाइंस होते हैं, दो लाइन में का एक लाइन दिया है 2x + y = 0, तो कुछ नहीं करेंगे हम क्या लिखेंगे ओके। हर एक बच्चे का अलग आंसर है। देखो 2x + y = 0 इज वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय 6x² + kxy + y² = 0। देखो भाई क्या दिया है, 6x² + kxy + y² = 0। इसमें दो लाइन्स है, दो लाइन में का एक लाइन ये दिया है, तो वेरी सिंपल यहां पर y इज इक्वल टू ले लेंगे। y = क्या बनेगा, पुट y = -2x इन 6x² + kxy + y² = 0। हमें क्या मिलेगा, 6x² as it is kx as it is। y का वैल्यू कितना है बच्चों, -2x। y स्क्वायर यानी -2x² = 0। तो ये बचेगा, ये बनेगा 6x² + (-2kx²) का स्क्वायर प्लस ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4x² = 0। ये 6x² और 4x² कितना आएगा, 10x² - 2kx² = 0। दोनों में से एक स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यहां पर बचेगा 10 - 2k। अब मैं यहां पे x² = 0 लूंगा एंड 10 - 2k = 0। तो मुझे लेना देना सिर्फ इससे, क्योंकि मुझे k का वैल्यू निकालना है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो 10 - 2k = 0, 10 = 2k, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। क्या नाम है बेटा, योगेश ने आंसर सही दिया है, 5 लिखा है। तो यहाँ पे बेटा है उसका कुछ ब्लर, खुश नसीब इंसान है वो, बाकी के लोगों का ब्लर हो रहा है। चलो समझ में आया क्या बच्चों, बोलो। मैं एक ऐसा और एक प्रॉब्लम देने वाला हूँ आप सभी लोगों को। यस ओके। यस चलो प्यारे बच्चों ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। रफ कर दो क्या पहला, बोलो क्या ना है रफ, फर्स्ट वन पहला रफ करूं भाई, रफ करो। कुछ बच्चों के लिए बोल देता हूँ रफ करो यानी मिटा दो क्या, कुछ बच्चे मराठी मीडियम से होते हैं मालूम नहीं होता। ओके कोई बात नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम था, जब तक मैं इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने लगा तब तो मुझे पता चला। वैसे हमारे क्लास में बस पूछते थे सर मोड़ू करे बोरो मना सो मोड़ा दूसरा काय म्हणणार माणूस, तसे इथं पाटील बसलेले आहेत त्याला काही सांगायची गरज नाही काय मोडायचं काय। लिखो भाई, इफ द लाइन
4x minus 5y equal to 0 coincides coincides with one of the lines. Coincide में और पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का आंसर सेम ही होता है, मीनिंग सेम होता है. One of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, then show that plus 40h plus 16b equal to 0. Just show that उसका टेंशन मत लो. कोइंसाइड यानी क्या, तुम्हें बोलता हूं सुनो बच्चों, इसमें दो लाइंस है समझो, मानो ये लाइन और ये लाइन है, दो लाइंस दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा दिखाई, ये लाइन और ये लाइन दो लाइन है, और ये 4x माइनस 5y ये लाइन है, ये दो लाइन पे ये लाइन कोइंसाइड है. कोइंसाइड यानी इसके ऊपर है या इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर होना ये इसके जैसा हो जाएगा, या इसके ऊपर है तो इसके जैसा हो जाएगा, यानी पहले और सेकंड के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है. प्रैक्टिकल चीज अलग है, क्योंकि एक लाइन दूसरे ऊपर के लाइन पर है ऐसा उसका कहना है. कुछ नहीं लिख लेंगे हम, लिखो क्या लिखेंगे, 4x माइनस 5y इज 0 कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके बच्चों, अब यहां पर x इज इक्वल टू बना लो या y इज इक्वल टू बना लो इस इक्वेशन को, जैसे आपकी मर्जी. तो हम बनाएंगे 4x इज इक्वल टू, 4x इज इक्वल टू कितना बनेगा 5y, और x इज इक्वल टू कितना बनेगा 5/4y. समझ में आया ना, x का वैल्यू मैंने कैसे निकाला, पुट इन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये x आ गए, सुनो x, x यानी क्या है 5/4y² 2h, x x यानी क्या है 5/4y, ये y as it is, by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये as it is 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर 2 × 2 = 4. तो ये आएगा 5h/2, 5h/2 y × y, y स्क्वायर by स्क्वायर इक्वल टू 0. तो सर म्यूट झाले, चलो भाई अब आ गया से आवाज. यस सुनो इधर, ये मैंने क्या क्या समझ में आया क्या सभी लोगों के,
यहां पर जो पढ़ाया मैंने, यस, तो देखो मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिखूंगा और इसे जीरो लिखूंगा, 25a/16 प्लस 5x/2 प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो का मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसे छोड़ दो उसका, सिर्फ इसी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसे 16 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 25a। यहां पर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, देखो 5h/2 को 16 से ये आएगा 8 5 40h आएगा प्लस 16b इक्वल टू जीरो। तो मुझे क्या प्रूव करना था, 25a प्लस 40h प्लस 16b इक्वल टू जीरो। बच्चों मैं इसे फिर से एक बार समझाता हूं, सुनो, थोड़ी जगह बढ़ा लेता हूं मैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ सकता। फोर एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू जीरो है, फोर एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकता मैं, फाइव वाई, एक्स इज इक्वल टू 5/4y। चलो ये तो समझ में आ गया ना, क्या लिखा मैंने, तो इसे बोलूंगा पुट x इज इक्वल टू 5/4y इन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू जीरो। ये एज इट इज x का स्क्वायर यानी 5/4 y का स्क्वायर प्लस 2h, क्या है बच्चों यहां पर x, x यानी क्या है 5/4y और यहां पर y प्लस b y² इक्वल टू जीरो। अब मैं तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये y² प्लस 2 × 2, 2 × 4 5/2h y² और ये बना by². अब बच्चों y² कॉमन निकाल के इधर ले जाओ तो y² कैंसिल हो जाता, छोड़ो बचपन का मैथमेटिक्स याद रखेंगे, y² कॉमन निकालेंगे 25/16 ये प्लस 5/2h b इज इक्वल टू जीरो। ये मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया वो, ठीक है, क्या बचा ये 25/16 ये 5/2h प्लस b इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 16, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 16 से, तो ये आएगा 16 × 25/16a प्लस 16 × 5/2h प्लस 16b, जीरो से मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो, 16 कैंसिल, 2 × 8 = 16, ये आया 25a, 8 × 5 = 40h प्लस 16b इक्वल टू जीरो। देखो मुझे यही शो दैट करना था और आखिर में एक लिख देंगे हम, हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, आई बात समझ में, हमने आपसे क्या पढ़ाया बोलो, यस और नो, आया क्या नहीं, यस, ओके। चलो आज बच्चे दुर्गा पूजा को भाग गए क्या की, ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक मैं यहीं पर स्टार्ट करता हूं, सॉरी स्टॉप करता हूं, कल मिलेंगे, कल नहीं, कल छुट्टी है, बाय काजल।
बाय कुंडलिक, बाय निवृत्ति, बाय योगेश, बाय दीपक, बाय महेश, बाय अजी, बाय करण, बाय गोविंद, अरे बेटा एक बार मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कुछ बोलो, अभी इतना बड़ा मैसेज में पढ़ नहीं पाया, जल्दी चलेगा मेरे सामने से। गुड नाइट सौरभ, ओके आदित्य, मुझे मैसेज करो तो पर्सनली बेटा, बहुत बड़ा मैसेज था मैं पढ़ नहीं पाया। ओके गुड नाइट आदित्य, बाय अक्षय।